हाँ जी नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी बढ़िया हैं उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे मस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों आज हमारी मैथ्स की डेमो क्लास है तो आज हम आपके साथ मैथ्स का कोई टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उससे पहले मैं आपको अपने बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ आप सभी जानते हैं कि सीटेड बैच का आगाज़ हमने कर दिया है तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ ताकि कुछ भी स्टूडेंट्स कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैच को लेने में मिस्टेक ना करें ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये बैचेज हैं आपके सामने और ये बैच हम सचिन अकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ही स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है ये बैचेस हम सचिन एकेडमी ऑफिशियल पर ही स्टार्ट करने वाले हैं जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है तो जल्द से जल्द आप इसे इंस्टॉल कर लें इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन होगा उस लिंक की मदद से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बैचेज आपको देखने को मिलेंगे जैसे पेपर वन कंप्लीट बैच पेपर टू कंप्लीट बैच और पेपर वन एंड टू कंप्लीट बैच इस तरह से आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा और इनकी जो फीस रहने वाली है पेपर वन कंप्लीट बैच की जो फीस है वो आपकी है नौ सौ नब्बे रुपए और पेपर टू कंप्लीट बैच की जो फीस रहेगी ये भी आपकी नौ सौ नब्बे रुपए ही रहने वाली है अगर आप दोनों लेना चाहते हैं कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं पेपर वन पेपर टू दोनों ही बैच लेना चाहते हैं तो इसकी जो फीस रहने वाली है वो ग्यारह सौ नब्बे रुपीज फीस आपकी देखने को मिलेगी ठीक है और ये जो फीस रहने वाली है वो आपकी पच्चीस मार्च तक ही रहने वाली है उसके बाद इन्हीं रुपीज के अंदर तीन सौ रुपया एड हो जाएगा अभी आपका डिस्काउंट चल रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों 25 मार्च से पहले पहले आप अपने बैचेज में अनरोल कर सकते हैं एडमिशन आप ले सकते हैं ठीक रहेगा और हमारी जो क्लासेज चलेंगी मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट हो जाएंगी आज हमारी डेमो क्लासेज चल रही हैं कल हमारे एक टीचर होंगे और होंगे वो भी अपनी एक डेमो क्लास आपको देंगे तो क्लासेज जब हमारी स्टार्ट होगी वो हमारे प्रॉपर तरीके से बीस मार्च से हमारी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी

ठीक रहेगा अभी आपके सामने सी की बुक्स आपको देखने को मिलने वाली है जल्द ही आपको देखने को मिलेगी और किसी भी तरह की बैच की रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप नंबर पर अपना मैसेज आप कर सकते हैं जो भी आपको डाउट रहे वैसे आप किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं रहने वाला और ये सारा कोर्स कंप्लीट बैच हमारा चलने वाला है सचिन अकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ही हम इस बैच को कराने वाले हैं ठीक रहेगा आगे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो भाई मैं आपको मैथ्स एंड पैड़ागोजी आपको टीच करने वाला हूं पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए ठीक है आज हमारी डेमो क्लास है आज की क्लास पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए ही रहने वाली है ठीक है और जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी यानी 20 मार्च से तो इन्हीं दोनों की सेपरेट क्लास चला करेंगी यानी पेपर वन की सेपरेट क्लास और पेपर टू की अलग से क्लास चला करेंगे ऐसा नहीं होगा कि दोनों की एक साथ में चलेंगे दोनों की बिल्कुल सेपरेट क्लासेस चलेंगी भाई दोनों का सिलेबस ही अलग है ठीक है तो दोनों की अलग अलग क्लासेस चला करेंगे हालांकि कुछ टॉपिक कॉमन भी हैं बट कॉमन टॉपिक में भी क्या होता है क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होता है ना वो दोनों का डिफरेंट होता है तो दोनों को हम सेपरेट लेकर चलेंगे इस चीज का आपको ध्यान रखना है ठीक है ये आपका मैथ्स का सिलेबस है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये पेपर वन का सिलेबस है यह जो सिलेबस आप देख पा रहे हैं यह पेपर वन का सिलेबस है ठीक है कंटेंट का अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं बच्चे तीस नंबर का आपका मैथ आता है तीस नंबर का आपका मैथ आता है ना डेढ़ सौ नंबर में से जिसमें आपको पंद्रह नंबर का कंटेंट देखने को मिलता है पंद्रह नंबर का कंटेंट और पंद्रह नंबर की आपको पैडागोजी देखने को मिलती है इस तरीके से डिवीज़न किया गया है थर्टी मार्क्स का पंद्रह नंबर का कंटेंट और पंद्रह नंबर की पैडागोजी आपको देखने को मिलती है ठीक है पैडागोजी आपको देखने को मिलती है पंद्रह नंबर की ठीक है ये आपका कंटेंट का सिलेबस है नंबर सिस्टम से लेकर रीजनिंग तक मैं आपको बता दूं इन टॉपिक्स के बारे में नंबर सिस्टम डिविजिबल यूनिट नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है ठीक रहेगा बोर्ड मास के रूट एंड क्यूब रूट और सिंप्लीफिकेशन ये आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है इनको हम एक साथ लेकर चलेंगे इन टॉपिक को हम एक साथ कराने वाले हैं फैक्टर फ्रैक्शन प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एंड वेट एंड मनी मेजरमेंट को हम एक साथ करने वाले हैं ठीक है और मैंसोरेशन और जोमेट्री ये हम इनको एक साथ करने वाले हैं ये आपकी मिसलिनियस टॉपिक है कुछ टॉपिक रीजनिंग के भी पूछा पूछे जाया करते थे जब आपका ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ करता था अब आपका ऑनलाइन मोड में पेपर नहीं होता तो यहां से सवाल पूछने के थोड़े कम चांस है फिर भी हालांकि से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम जरूर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो ये आपका सिलेबस है सीटेट पेपर वन का जो कि हम इस बैच में करने वाले हैं अब मैं बात कर लेता हूँ बच्चे सिलेबस टू यानी पेपर टू यह आपका पेपर टू का सिलेबस है यहां पर आपको टॉपिक देखने को मिल रहे हैं नंबर सिस्टम से लेकर स्टेटिस्टिक्स तक यानी टॉपिक है चौदह टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों ये जो पूरा सिलेबस हमने जो डिजाइन किया है पूरा सिलेबस जो हम आपको दिखा रहे हैं वो एनसीआर के आधार पर और प्रीवियस पेपर के के आधार पर हम आपको ये सारा सिलेबस दिखाया जा रहा है इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो तो यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम एच सी एफ एल सी एम सिंप्लीफिकेशन एलजेब्राटेज रेशोशन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एवरेज मेंसुरेशन जोमेट्री प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स ये अगर 14 टॉपिक कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर पेपर टू में भी थर्टी मार्क्स का ही आता है थर्टी मार्क्स का ही पूछा जाता है पेपर टू में और बीस नंबर का आपका कंटेंट पूछा जाता है यहाँ पर कंटेंट के बीस प्रश्न पूछे जाते हैं

ऑफिशियली देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ना ज्योमेट्री हो गयािटी गया, का, गया. का भी एक प्रश्न हमेशा जाता है सांख्यिकी का भी एक जाता है. कुल मिलाकर ये छह टॉपिक आप देख पा रहे हो ना इन छह टॉपिक में ही यूं मान के चलो कि सत्रह अठारह पंद्रह सोलह नंबर का यहां पर आपको देखने को मिलता है इन छह टॉपिक से यानी ट से भी ज्यादा आपको यहाँ पर टॉपिक से देखने को मिलता है तो मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या इन टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस नहीं है बिल्कुल इंपॉर्टेंस है क्या मेरे प्यारे बच्चों मैंसुरेशन की टॉपिक में परसेंटेज का यूज नहीं होता बिल्कुल होता है क्या हमारा के टॉपिक में रेशन प्रपोर्सन का यूज नहीं होता बिल्कुल होता है क्या के अंदर क्या के अंदर एच सी रूट का यूज नहीं होता है बिल्कुल होता है कुछ टॉपिक ऐसे हैं सिंप्लीफिकेशन में सर्ट्स एंड एंडीसीज के रूट क्यूब रूट एंड बोडमास उनका यूज हर किसी में होता है ये बेसिक टॉपिक होते हैं बच्चे है ना इनका पूरे मैथ्स में यूज होता है तो हर टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है है ना अगर आप डायरेक्ट एक टॉपिक उठा के बैठ जाए एल तो एलजैबरा में आपको सर्ट्स एंड एंडिस के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो सारा टॉपिक पूरा सिलेबस करना आपके लिए बेहद जरूरी है ठीक है कुछ भी टॉपिक आप यहां पर छोड़ नहीं सकते और छोड़ना क्यों है जब आपका टारगेट ही आपका तीस में से तीस नंबर का होना चाहिए तो छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं उठती है ठीक है आगे बात करते हैं बच्चे ये आपका कंटेंट का सिलेबस है जो कि कंटेंट आपका ट्वेंटी मार्क्स का आपको देखने को मिलता है ठीक है और दस नंबर की पैडागोजी अगर हम पैडोगोजी की बात करें तो ये आपका सीटेट मैथ्स पैडागोजी का सिलेबस है ठीक है कितने टॉपिक है मेरे भाई इसके अंदर टॉपिक हमारे चौबीस टॉपिक है है ना इसके अंदर हमारे टॉपिक टॉपिक कितने हैं पेपर वन और पेपर और का सिलेबस सेम है पर क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अलग है सिलेबस की अगर हम बात करें सिलेबस दोनों का सेम है पर जो स्टेटस है जो लेवल है क्वेश्चन पूछने का वो डिफरेंट है है ना तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है तो ये सिलेबस आप नोट कर लेंगे बच्चे हर एक स्टूडेंट के पास सिलेबस जरूर होना चाहिए ठीक है लो जी अब हम बात कर लेते हैं भाई आज हमारा डेमो क्लास है तो आपके साथ एक टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक है भाई हमारे सामने मैं क्षेत्रमिति का टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये टॉपिक आपका पेपर वन पेपर टू दोनों में ही आता है अगर आप मेरे से पूछेंगे सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर वन में कौन सा है तो पेपर वन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्षेत्रमिति यानी मेन्सुरेशन दो से तीन सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस टॉपिक को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो ठीक है दो दो सवाल तो मैं कंटेंट के बता रहा हूं एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पेडोगोजी का भी पूछा जाता है तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की आज हम शुरुआत करने वाले हैं आज हमारी डेमो क्लास है तो आगाज कर देते हैं आज के हमारे सेशन का आज से हमारे इस बैच का ठीक रहेगा अभी हाँ जी ये जो टॉपिक है पेपर टू के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है है ना पेपर टू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी मैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से भी चार सवाल पूछे जाते हैं से चार सवाल क्षेत्रमिति से पूछे जाते हैं और पेपर वन में, में से दो से तीन सवाल पर आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहां पर अभी दो ही लिख रहा हूँ दो से तीन आपको देखने को मिल सकते हैं क्षेत्रमिति है? है, तो इसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं और आगाज कर देते हैं आज के सेशन का हाँ जी तो टॉपिक रहेगा हमारा क्षेत्रमिति बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक आज की क्लास हमारी दोनों के लिए रहने वाली है ठीक है पेपर वन, पेपर टू में। figure, figure, तो सबसे पहले हम टू फिगर करने वाले हैं दुई आमी आकृतियां हम करने वाले हैं ठीक है और एक से लेकर 40 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मेरे बिल्कुल बेसिक रहने वाले हैं बिल्कुल बेसिक क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा ये जरूर चल रहा होता है कि बायोलॉजी बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठा है और ऐसा भी स्टूडेंट बैठा है जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है ठीक है तो दोनों को ध्यान में रखकर मैं पहले चालीस क्वेश्चन क्या कराऊंगा बेसिक कराऊंगा भाई पहले चालीस चालीस क्वेश्चन सही रहेगा अगर मैं पेपर वन की बात करूं पेपर वन की मैं अगर बात करूं इस टॉपिक से मैं सेवेंटी क्वेश्चन कराता हूँ सत्तर क्वेश्चन कराता हूँ सत्तर क्वेश्चन से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है पेपर टू में वन फिफ्टी क्वेश्चन कराए जाते हैं ठीक है तो दोनों की क्लासेस सेपरेट चलेंगे ठीक है आज डेमो क्लास है तो आज बेसिक पार्ट हम समझते हैं जो कि पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए वैलिड रहने वाला है ठीक रहेगा अभी हाँ जी तो क्षेत्र मिति में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सुकीर के बारे में ये आपके सामने सुकीर की फिगर है सुकीर को हिंदी में बोला जाता है वर्ग बोला जाता है सुकीर को हिंदी में बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों वर्ग बोला जाता है ठीक ये आपके सामने एक सुकीर की फिगर है अब सुकीर की चर्चा कर लेते हैं सुकीर के बारे में क्या क्या खास बातें होती हैं यहां देखेंगे सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं सुकीर के अंदर सारी भुजाएं क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों बराबर होती हैं स्क्वायर के अंदर चारों भुजाएं क्या होती है बराबर इस भुजा को मैं डिनोट कर रहा हूं ए के नाम से मैं डिनोट कर रहा हूं ठीक है ए के नाम से मैं डिनोट करता हूं तो चारों भुजा बराबर है तो चारों का नाम क्या होगा ए होगा चारों का नाम भी क्या होगा ए होगा सही रहेगा हाँ जी तो सभी भुजाएं होती है बराबर प्रत्येक कोण नब्बे डिग्री का होता है इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक कोण क्या होता है नब्बे डिग्री का होता है प्रत्येक कोण ये नब्बे डिग्री का होगा ये भी आपका नब्बे डिग्री का होगा ये भी आपका नब्बे डिग्री का होगा और यह भी आपका नब्बे डिग्री का होगा ईच एंगल इज नाइन्टी डिग्री प्रत्येक कोण नब्बे डिग्री का होता है आगे बात करते हैं विक बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं ठीक है विकेंड क्या होता है बच्चे विकर्ण हमारे ये होते हैं इन्हें विक बोला जाता है डायगनल बोला जाता है डायगनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री डायगनल हमारे क्या होते हैं बराबर होते हैं इन्हें डायगनल बोला जाता है बच्चे ये हमारा क्या है डायगनल और ये वाला यानी दोनों जो होते 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 हैं 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 वो क्या होते? बराबर होते और एक दूसरे को क्या करते हैं नब्बे डिग्री पर समुभाजित करते हैं नब्बे डिग्री पर इक्वली बाइसेट करते हैं दो बराबर भागों में बांटते हैं ठीक रहेगा भाई हाँ जी तो यहां पर आपको कुछ फॉर्मुले ध्यान में रखने हैं वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं जैसे पेरीमीटर पैरीमीटर को हिंदी में बोला जाता है परिमाप बोला जाता है पेरीमीटर को हिंदी में बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों परिमाप बोला जाता है और परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो फोर ए होगा फोर ए भाई इसके अंदर कितनी ए है इसके अंदर चार ए है तो यही हमारा क्या होता है परिमाप होता है परिमाप को बोला जाता है बाउंड्री बाउंड्री को ही क्या बोला जाता है परिमाप बोला जाता है याद रखना है बच्चे है ना बाउंड्री को ही क्या बोला जाता है परिमाप बोला जाता है ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही तो है इसको क्या बोला जाता है परिमाप बोला जाता है और एरिया क्या होता है एरिया को हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रफल एरिया को हिंदी में बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल बोला जाता है क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है भाई ये अंदर वाला जो पार्ट है ना ये सारा जो अंदर वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं क्षेत्रफल बोलते हैं बाउंड्री को परिमाप बोलते हैं अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल बोला जाता है एरिया बोला जाता है ठीक रहेगा डायगनल डायगनल को बोला जाता है हिंदी में विकीर्ण बोला जाता है विकीर्ण डायगनल को हिंदी में बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों विकीर्ण बोला जाता है ठीक और ये हमारे क्या है 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 ये हमारे क्या है? है। तो इन शब्दों का पता चला आगे बात करते हैं फॉर्मुले के बारे में बच्चे पैरिमीटर का फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है भाई जिसकी भुजाएं सारी बराबर हैं है ना सारी भुजाओं का आप योग कर दो ठीक है सारी भुजाओं का योग कर दो वो क्या होता है प्रिमाप होता है सारी भुजाओं का अगर आप योग कर दोगे वो क्या होता है यानी ए को ए से गुणा करेंगे अगर आपके सामने ए की वैल्यू ना दे रखी हो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ए की वैल्यू ना दे रखी हो तो विकीर्ण आपको जरूर देखने को मिलेगा Viking को मैं d से डिनोट कर रहा हूं। आपको जरूर देखने को मिलेगा और, और डायगनल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो रूट टू ए होगा ये बेसिकली आपको ये तीन चार फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं ठीक है अब हम करेंगे इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन करने वाले हैं यहां तक किसी भी स्टूडेंट का आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए ठीक रहेगा भाई यहां तक कहानी आपको समझ में आई भी कोई दिक्कत चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने बताना है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होना चाहिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे आज की क्लास बिल्कुल बेसिक ही चलने वाली है बड़े ध्यान से करेंगे देखो जी पंद्रह मीटर भुजे वाले वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप और विकीर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है हाँ जी देखो अभी क्या है देखो पंद्रह मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप और विकीर की लंबाई आपको भुजा दे रखी है वो कितनी रखी है पंद्रह मीटर दे रखी है वर्ग की जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है? पंद्रह मीटर ठीक रहेगा और आपको बताना है इसका क्षेत्रफल बताना है इसका क्या बताना है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है ए स्केर होता है यानी भुजा का स्केर कर दो भुजा का स्केर कर दो भाई ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है पंद्रह है ना हमें निकालना है क्षेत्रफल निकालना और क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए स्केर होता है और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है पंद्रह तो पंद्रह का स्केर करेंगे कितना होगा दो सौ पच्चीस होगा पंद्रह का स्केर करेंगे कितना होगा दो सौ पच्चीस तो एरिया तो आ गया हमारे पास कितना दो सौ पच्चीस आ गया ठीक रहेगा आगे हमें फाइंड आउट करना है परिमाप परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होता है परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर ए होता है क्या होता है भाई और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है पंद्रह तो चार गुना में पंद्रह करेंगे तो ये कितना आ जाएगा साठ आ जाएगा परिमाप हमारे पास कितना आ गया अभी साठ आ गया है ना पेरीमीटर यानी परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला है फोर ए होता है चार को पंद्रह से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साठ आ जाएगा आगे बात करते हैं बच्चे विकीर्ण निकालना है आपको क्या निकालना है और विकेंड निकालने का जो तरीका होता है वो होता है होता है क्या होता है मेरे भाई रूट टू ए होता है और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है है तो को रूट टू से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई फिफ्टीन रूट टू आ जाएगा रूट टू तो देखो यार ऑप्शन में कहा दे रखा है दो सौ पच्चीस साठ और पंद्रह रूट टू यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होना चाहिए राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट right आंसर होना चाहिए भाई सही रहेगा अरे या ना वेरी गुड बहुत बढ़िया सभी के एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा है ना बच्चे जिसने आज तक क्षेत्रमिति नहीं पढ़ा है मैं नहीं पढ़ा है अब पढ़ने की कोशिश करना बिल्कुल जमीन से उठा रहे हैं बच्चे बिल्कुल आधार से बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जा रहा है ठीक है हाँ जी करो भाई एक वर्ग का विकीरण आठ मीटर है देखो भाई ये आपके सामने एक वर्ग है। ये है आपके सामने एक वर्ग ठीक रहेगा इसका जो विकीर्ण है हमारे पास कितना भी आठ मीटर है इसका जो विकीर्ण है हमारे पास कितना भी आठ मीटर ठीक रहेगा हमें बताना इसका क्षेत्रफल क्या होगा क्षेत्रफल क्या होगा यानी एरिया आपको बताना है और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी ए स्केर होता है अरे या ना है ना एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए स्केर बट हमारे पास एक की वैल्यू नहीं है बट हमारे पास एक की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास तो डायगनल है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने एक और भी बताया था वन बाय टू डी स्केयर वन बाय टू डी स्केर या ना तो एरिया निकालने के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे दोनों फॉर्मूले देखो भाई ये है एरिया निकालने का ए स्क्यर भी होता है और वन बाय टू डी स्क्र भी होता है दो फॉर्मुले होते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास वैल्यू है डी की डी की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर आप डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो वन बाय टू डी हमारे पास कितना है आठ आठ का स्क्यर कर दो तो, आठ गुना में आठ तो दो चौका आठ तो चार को आठ से गुणा करेंगे कितना आएगा बत्तीस आएगा कितना आएगा बत्तीस तो बत्तीस मीटर स्क्वेयर यह हमारा क्या होना चाहिए एरिया होना चाहिए तो 32 इस क्वेश्चन का राइट right आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट right आंसर जाना चाहिए ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट right आंसर होगा ठीक रहेगा आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड एक वर्ग के वीकेंड की लंबाईट रूट टू सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा यह आपको बताना है इस बार आपको परिमाप बताना, बताना है इस बार आपको क्या बताना है भाई परिमाप ठीक और आप सभी जानते हैं कि परिमाप निकालने का तरीका क्या होता है पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होता है पेरीमीटर निकालने का तरीका होता है सर जी फोर ए होता है क्या होता है भाई होता है है ना तो इसका मतलब मुझे एक की वैल्यू चाहिए हमें क्या निकालना है भाई परिमाप निकालना है और परिमाप निकालने का तरीका क्या होता है फोर ए होता है इसका मतलब मुझे क्या चाहिए एक की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास गिवन क्या है हमारे पास गिवन ये है मेरे भाई ये है आपके सामने एक की फिगर ठीक रहेगा और वर्ग के की जो लंबाई विकल्बा एट रूट टू सेंटीमीटर दे रखी है वर्ग के की जो लंबाई दे रखी है वो एट रूट टू सेंटीमीटर दे रखी है एट रूट टू सेंटीमीटर दे रखी है सही है यानी गिवन हमारे पास एट रूट टू है यानी डायगेल हमारे पास गिवन है तो डायगनल हमारे पास गिवन है कितना है भाई एट रूट टू है डायगनल हमारे पास कितना भी ए टू टू है सही है और डायगेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर जी डायगेल निकालने का फॉर्मूला आपने अभी बताया था रूट टू ए होता है अरे हाया ना डायगनल निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था रूट टू ए होता है देखो भाई यहां पर विकीर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है रूट टू ए होता है सही है तो यहाँ पर रूट टू ए जो कि किसके बराबर है आठ रूट टू के बराबर है किसके बराबर भी भाई आठ रूट टू के बराबर है तो रूट टू से रूट टू हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आठ और ए की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी अब बताना है भाई परिमाप परिमाप निकालने का जो तरीका होता है पैरिमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फोर होता है ठीक रहेगा भाई और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आठ तो चार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बत्तीस तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए बत्तीस हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए ठीक है तो मेरे भाई अब किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होना चाहिए एकदम बेसिक से कराया जा रहा है बच्चे एकदम बेसिक से ठीक है धीरे धीरे हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिस लेवल के आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है ठेके? अगर आप मेरे से पूछोगे सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं नहीं आते है ना ऐसे प्रश्न पेपर में नहीं आते हैं ये तो बस आपका आधार बनाया जा रहा है बेस बनाया जा रहा है ताकि मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊं तो आपको वहां पर करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो ठीक है बच्चे मान लो अगर किसी एग्जाम का लेवल ये लेवल आता है ये लेवल आ रहा है है ना तो मैं क्या करूं डायरेक्ट इस लेवल के क्वेश्चन करा दूं डायरेक्ट इस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कर ही नहीं पाओगे डर के भाग जाओगे पर भागने मुझे मैं आपको दूंगा नहीं मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा धीरे 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 लेवल बढ़ाता हुआ आगे बढ़ूंगा और यहां पर आपको पहुंचा दूंगा मेरा काम यह है बच्चा फिर हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करेंगे फिर आप धराम से सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे होंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं लो जी क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप सभी के सामने करो भी क्वेश्चन नंबर फोर्थ अच्छा ये जो बेसिक क्वेश्चन करा रहा हो ना इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है क्वेश्चन से बढ़कर ही सारे क्वेश्चन बनते हैं ठीक है लो जी आगे देखो जी एक वर्ग के विकीर्ण की लंबाई सिक्स रूट टू सेंटीमीटर है एक वर्ग है आपके सामने ये वाला ये क्वेश्चन आप ही करके बताएंगे किसी भी स्टूडेंट का गलत आंसर नहीं होना चाहिए शाबाश करके बताओ भी करो भी शाबाश एक वर्ग के विकीर्ण की लंबाई हमारे पास सिक्स रूट टू सेंटीमीटर है ये वर्ग है हमारे पास इसकी जो लंबाई है हमारे पास कितना है सिक्स रूट टू सेंटीमीटर है सिक्स रूट टू सेंटीमीटर है इस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात बताना है है ना क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात और मैंने आपको बताया था भाई है ना सारे टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्या आपके सिलेबस में अनुपात का टॉपिक नहीं है बिल्कुल टॉपिक है है ना तो इनका यूज होता है परसेंटेज का भी यूज होता है अनुपात का भी यूज होता है सारे टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है सभी करना आपके लिए बेहद जरूरी है अब देखो क्षेत्रफल और परिमाप का क्या बताना है अनुपात बताना है क्षेत्रफल और परिमाप का आपको क्या बताना है अनुपात बताना है हां जी क्षेत्रफल को बोला जाता है एरिया परिमाप को बोला जाता है पेरीमीटर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है स्केर होता है सर जी आपने बताया था और परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फोर ए होता है ये भी मैंने आपको बताया था ठीक है हमारे पास गिवन क्या है हमारे पास गिवन ये है विकीरण की जो लंबाई है वो सिक्स रूट टू सेंटीमीटर है यानी हमारे पास कितना है अभी सेंटीमीटर है ठीक रहेगा अभी डायगनल को हिंदी में बोला जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो रूट टू ए होता है अरे हा रूट टू ए जो कि किसके बराबर है सिक्स रूट टू के बराबर है सिक्स रूट टू के बराबर है तो रूट 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 टू से रूट टू हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी छ आ जाएगी तो ए की वैल्यू हमारे पास 6 है और हमें क्या करना है अभी ए स्क करना है और फोर ए करना है तो वैल्यू हमारे पास छः है तो छः का स्क्वायर कर दो हाँ जी की वैल्यू हमारे पास है तो चार को छुना चौबीस में छतना छत्तीस तो यहां पर मैं छत्तीस कर दू भाई कर देता हूं हाँ जी इसको कैंसिल करेंगे बताओ कितने विभाजित हो रहा है ये विभाजित हो रहा है सर जी बारह पर बारह छत्तीस बारह दुनिया चौबीस तो तीन अनुपात दो तीन अनुपात दो हमारा राइट आंसर जाना चाहिए पहले आपको क्षेत्रफल बताना था फिर परिमाप तीन अनुपात दो हमारा राइट आंसर होगा ठीक है देखो यार आपके पास ऑप्शन में अनुपात भी है है पहले क्षेत्रफल पूछा गया फिर परिमाप पूछा गया है, गया है पहले क्षेत्रफल की वैल्यू बताओ तीन फिर परिमाप की वैल्यू बताओ दो तो तीन अनुपात दो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा अरे हा ना समझ पा रहे हो अभी सारी चीजें हां जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव आप सभी के सामने हाँ जी क्वेश्चन क्षेत्र है परिमाप का अनुपात बताना है ठीक है एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह हमारे पास वन बाय नाइन मीटर स्क्र है उसकी भुजा व परिमाप का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है मेरे भाई देखो आपको बताना है भुजा बतानी है और आपको बताना है क्या परिमाप बताना है और परिमाप हमारा क्या होता है फोर ए होता है क्या होता है फोर ए और एरिया हमें दे रखा है यानी क्षेत्रफल हमें दे रखा है क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना वन बाय नाइन मीटर स्केयर दे रखा है वन बाय नाइन मीटर स्केयर दे रखा है सही रहेगा भाई अच्छा ये बताओ भाई अगर ए स्केयर वन बाय नाइन मीटर स्केयर है तो ए की वैल्यू कितनी होगी अच्छा एक बात बताओ अगर ए स्केयर वन बाय नाइन मीटर स्क्र है तो क्या मैं वन बाय नाइन को ये लिख सकता हूँ भाई एक बटा तीन का होल स्केयर ऐसा लिख सकता हूँ भाई है ना वन बाय नाइन को मैं लिख सकता हूँ भाई एक बटा तीन का होल स्केयर भाई एक बटा तीन को एक बटा तीन से गुणा करेंगे तो भाई कितना होता है एक बटा ही तो होता है अरे हाया ना तो देखो यार पावर से पावर हमारे कैंसिल होगी तो ए की वैल्यू कितनी आ गई एक बटा आ गई तो ए की वैल्यू हमारे पास एक बटा तीन है सही रहेगा और फोर ए की वैल्यू क्या होगी सर ए की वैल्यू तीन है तो फोर ए की वैल्यू भाई एक बटा तीन चार गुना में एक बटा तीन तो तीन से तीन हमारा कैंसिल हो गया तो राइट आंसर जाएगा भाई वन रेशो फोर हमारा राइट आंसर जाना चाहिए वन रेशो फोर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा ठीक है भाई वेरी गुड बहुत बढ़िया जी हाँ जी बिल्कुल बैच हमारा जो स्टार्ट श्ट, होगा जो स्टार्ट तो हमने कर दिया ये सारी की सारी जो क्लासेस होंगी है ना जो बैचेस की जो क्लासेस होंगी वो हम करने वाले हैं सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर करने वाले हैं कुछ स्टूडेंट्स तो यही डाउट पूछ रहे हैं ठीक है तो इस चीज का ध्यान देना है हाँ जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो मेरे भाई एक वर्क ये आपका पेपर टू का क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर टू में पूछा गया था ठीक है? करने की कोशिश करना पेपर वन वाले भी कर सकते हैं पेपर वन वालों को क्या कम समझते हो गया ये भी करेंगे देखो एक वर्ग एवं का का अनुपात बताना है, है विकीर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है देखो भाई इसने बोला है भाई ये है हमारे सामने एक वर्ग ये है हमारे सामने एक वर्ग ठीक रहेगा देखो यह है हमारे सामने एक वर्ग है ठीक इस वर्ग के विकीरण पर एक वर्ग इस वर्ग के विकीरण पर इस वर्ग के विकीरण पर यह वर्ग का विकीरण है है ना इस वर्ग के विकीरण पर बने वर्ग इस वर्ग के विकीरण पर बना एक वर्ग है इस तरीके से आपको वर्ग बना देना है ठीक रहेगा भाई अरे हां या ना एक वर्ग है और इस वर्ग के विकर्ण पर बना एक वर्ग है यही बोला गया है क्वेश्चन के अंदर इनका क्या बताना अनुपात बताना है इनका क्या बताना है अनुपात बताना है ठीक है आप सभी जानते हैं कि जो वर्ग की भुजा होती है ना उसको हम a से डिनोट करते हैं अरे बोलो हाँ है ना वर्ग की जो भुजा होती है उसको हम a से डिनोट करते हैं और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2a होता है ये मैंने सारी बातें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता रखी है स्टार्टिंग में है ना वर्ग के विकेरण को क्या बोलते हैं रूट टू ए बोलते हैं और वर्ग की भुजा को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं ठीक है अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना अगर ये वर्ग का विकेरण है देखा जाए तो इस वर्ग की ये क्या है भुजा है भाई ये जो है ना ये इस वर्ग का तो विकर्ण है और इस पूरे वर्ग का क्या है ये भुजा है अगर ये रूट टू ए है तो ये भी रूट टू ए होगा ये भी हमारा क्या होगा रूट टू ए होगा और ये भी हमारा क्या होगा रूट टू ए होगा है ना भाई क्योंकि भाई ये वाला जो वर्ग है उसकी तो ये भुजा है ना और इस वर्ग का ये क्या है भाई है अब हमें क्या बताना है भाई इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा सर जी ए होगा ठीक है अगर हम इस वर्ग की बात करें तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्केयर होगा अगर हम इस वर्ग की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई रूट टू ए का ना क्योंकि इस वर्ग की भाई ये क्या है भुजा है ठीक हाँ जी जो कटता है काट दो देखो पावर से रूट कैंसिल होता है ये स्क्वायर रूट टॉपिक में आपको बताएंगे पावर से रूट क्या होता है कैंसिल तो ए स्केर हो जाएगा हमारे पास टू ए स्केयर हो जाएगा है ना क्योंकि भाई ए के ऊपर रूट नहीं था ठीक है ए के ऊपर हमारा रूट नहीं था तो वन टू हो, तो हो गया वन क्या टू टू तो, तो यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए ठीक है भाई बहुत बढ़िया क्या बात है हाँ जी सर आपकी कृपा से मेरा सिलेक्शन पीजी टी में हो गया है वेरी गुड बहुत बड़ी अच्छी बात है वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आप सभी के सामने ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा चुका है पी आर टी एग्जाम में पूछा जा चुका करके बताएंगे क्या है इस क्वेश्चन की कहानी एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक वर्गाकार पार्क है हमारे सामने ये ठीक रहेगा भाई हां जी एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल हमारे पास चालीस हजार वर्ग मीटर है एक वर्गाकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास चालीस हजार वर्ग मीटर है मैंने आपको बताया था, था भाई ये अंदर वाला जो पार्ट होता है ना ये क्या होता है क्षेत्रफल होता है और ये अंदर वाला पार्ट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है चालीस हजार वर्ग मीटर दे रखा है ठीक है एक वर्गाकार पार्क का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया जो है वो चालीस हजार वर्ग मीटर है है ना और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी होता है जो कि हमारे पास कितना है अभी है कितना है अभी अगर A 40 है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बता दो 40 को क्या मैं ये लिख सकता हूं सौ का स्केर अगर आप दो सौ का स्केर करेंगे तो चालीस हजार आएगा बच्चा ये दो सौ का स्केर मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया ये सारी बातें आपको बताई जाएगी बैच के अंदर जब मैं आपका स्केर एंड क्यूब पढ़ा रहा हूँ स्केयर एंड क्यूब में सारी ट्रिक आपको बताई जाएगी कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं क्यूब कैसे निकालते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं उसकी रूट कैसे निकालते हैं ये सब बैच के दौरान आपको पढ़ाई जाएंगे ठीक है तो दो सौ का स्क्वायर क्या होता है चार चालीस हजार होता है तो पावर से पावर हमारा कैंसिल हो गया तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दो सौ आ गई तो एक की वैल्यू हमारे पास दो सौ और आप सभी जानते हैं कि ए हमारा क्या होता है ये होता है है ना ए हमारा क्या होता है दो सौ ये भी हमारा क्या होगा दो सौ होगा है ना ये सभी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है ये सब हमारा क्या आ गया दो सौ आ गया अब बताओ भाई दो रुपए प्रति मीटर, मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च आपको ज्ञात करना है घेरा डालने पर दोबारा से पढ़ेंगे इस लाइन दो रुपए प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च आपको ज्ञात करना है दो रुपए प्रति मीटर की दर से घेरा डालने पर कुल खर्च आपको ज्ञात करना है यानी जो घेरा है ना इस घेरा को क्या बोला जाता है बताओ भाई इस बाउंड्री को वर्ग की बाउंड्री को बोला जाता है परिमाप बोला जाता है ना वर्ग की बाउंड्री को क्या बोला जाता है परिमाप बोला जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों एक मीटर का जो खर्चा बताया जा रहा है वो दो रुपया बताया जा रहा है एक मीटर का जो खर्चा बताया जा रहा है दो रुपए प्रति मीटर एक मीटर का खर्चा दो रुपया है तो इस बाउंड्री का खर्चा कितना होगा बताओ अभी ये बाउंड्री हमारी आठ मीटर की है दो सौ चार और आठ इन सभी को ऐड करें कितना होगा आठ होगा तो आठ मीटर की हमारी बाउंड्री है एक मीटर पर दो तो रुपया खर्चा आता है तो आठ सौ मीटर पर कितना आएगा दो गुना में आठ सौ सोलह सौ का खर्चा आएगा भी। तो सौ हमारा क्या होना चाहिए यानी जाना चाहिए तो ये जो पूरी बाउंड्री थी हमारी कितनी की थी तो एक मीटर के ऊपर दो रुपया खर्चा आता है तो आठ सौ मीटर पर कितना खर्चा आएगा सोलह सौ रुपया आएगा तो सोलह सौ रुपया हमारा राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आगे बात करते हैं देखो भाई अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो परसेंटेज का क्वेश्चन प्रत्येक भुजा पचास प्रतिशत बढ़ाई जाए ठीक है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा पचास प्रतिशत बढ़ाई जाए।, बढ़ा जाए तो प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है ठीक रहेगा आरा भी सभी को समझ में वेरी गुड बहुत बढ़िया माई आंसर इज राइट क्या बात है बहुत अच्छे हाँ जी बहुत बढ़िया सर जनवरी से पहले बैच लिया न्यू बैच बिल्कुल मिलेगा प्रिया कुमारी कोई दिक्कत नहीं है वेरी गुड क्या बात है बहुत अच्छे बिल्कुल सही जा रहे हो भाई देखो यार पहला ही टॉपिक हमने मैं उठा लिया है ना हालांकि हम लास्ट में उठाते थे अब हमने सबसे पहले ये उठा लिया है ठीक देखो यार यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा पचास प्रतिशत बढ़ाई जाए देखो यार पचास प्रतिशत का मतलब क्या होता है पचास प्रतिशत का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों एक बेटा दो होता है अरे हा पचास प्रतिशत का मतलब क्या होता है एक बेटा दो होता है सर जी कैसे होता है यह भी बताओ हमें अभी बताते हैं देखो यार पचास प्रतिशत देखो प्रतिशत का मतलब होता है एक बेटा सो होता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है एक बेटा सो होता है तो परसेंटेज हटाओ एक बेटा सो लगा दो परसेंटेज का मतलब एक बटा सो होता है तो परसेंटेज हटा दो सर जी एक बटा सो लगा दो परसेंटेज हटाओ एक बटा सो लगाओ तो कैंसिल करें कितना हो गया भी? एक बटा दो हो गया तो पचास परसेंट का मतलब एक बटा दो होता है ये बात समझ में आ गई ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी पचास प्रतिशत बढ़ाई जाए तो प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल और पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल और पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का क्या बताना अनुपात बताना है पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का क्या बताना अनुपात देखो भाई अगर किसी वर्ग की 50 प्रतिशत भुजा बढ़ाई जा रही है मान लेते हैं पहले भुजा हमारे पास दो थी नीचे वाली जो भुजा होती है ना भाई नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो पहले वाली होती है पहले वाली यानी पहले साइड हमारी दो थी अब इसमें एक बढ़ गई ठीक है भाई 50 प्रतिशत बढ़ने का मतलब यही होता है पचास प्रतिशत बढ़ने का मतलब पहले हमारे पास साइड दो थी अब एक बढ़ गई दो में अगर एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा दो में अगर एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा और पहले कितनी थी दो थी पहले कितनी थी मेरे भाई दो थी ये बात आप दोबारा से समझेंगे मेरे भाई पचास प्रतिशत बढ़ने का मतलब क्या होता है पचास प्रतिशत का मतलब होता है एक बटा दो यानी पहले वाली साइड हमारे पास दो थी अब एक बढ़ गई एक बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी कि तीन हो जाएगी अब साइड होगी तीन और पहले कितनी थी दो अब देखो यार प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल और पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है जी प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल इसका हम निकालेंगे कितना आएगा भाई भाई आएगा का कितना होता है नो होता है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आएगा चार आएगा तो नाइन इंसू फोर हमारा राइट आंसर जाना चाहिए नाइन इंसू फोर यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए ठीक है भाई अब देखो इसके अंदर परसेंटेज का यूज हुआ है तो क्यों ना करें भाई हर टॉपिक करने अपने आप में इंपॉर्टेंट है मैं कल परसों किसी की मैं वीडियो देख रहा था मैं नाम नहीं लेना चाहता बट बत बताया जा रहा था कि अगर आप तीन टॉपिक कर जाओ तो आपके इतने नंबर आ जाएंगे हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस है सीटेट में जो आप पढ़ोगे ना ये आगे जाकर आगे जो जॉब वाले पेपर होंगे उनमें भी यही सारा कंटेंट काम आएगा वहां पर हम क्या करते हैं इसी कंटेंट में एड ऑन करते हैं है ना इसी कंटेंट में हम क्या करते हैं क्वेश्चनों को ऐड करना शुरू कर देते हैं यानी आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हो तो डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे अगर आप मान लो बीपीएससी की तैयारी करो तो बी पी एस के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस को कंटेंट में इंक्लूड किया जाता है तो सारे टॉपिक आपको करने हैं एक भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो इस चीज का ध्यान रखना है तभी मैंने ये टॉपिक बताया था कि परसेंटेज कुछ स्टूडेंट परसेंटेज छोड़ देते हैं रेशो छोड़ देते हैं उनका भी यूज है ठीक है इस टॉपिक के अंदर आपको दिखेगा आगे और भी नंबर नाइन्थ करते हैं भाई देखो भाई दो वर्गों का परिमाप बारह सेंटीमीटर है और चौबीस सेंटीमीटर है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है यह आपको बताना है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है ये आपको बताना है देखो भाई हमारे, हमारे पास दो वर्ग है हमारे पास दो वर्ग है भाई देखो यार एक वर्ग ये है इसको हम बड़ा मान लेते हैं एक वर्ग हमारा छोटा है इस तरीके से यह हमारे पास एक छोटा वर्ग है सही रहेगा एक वर्ग का परिमाप 12 सेंटीमीटर है और दूसरे वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है इसका परिमाप अगर हमारे पास देखो इसका परिमाप अगर हमारे पास परिमाप क्या होता है ठीक परिमाप क्या होता है भाई 4a होता है इसका परिमाप अगर हमारे पास 24 सेंटीमीटर है बड़े वर्ग का परिमाप कितना 24 सेंटीमीटर ठीक 24 सेंटीमीटर है तो बताओ भी ए की वैल्यू कितनी आएगी सर जी कैंसिल करेंगे की वैल्यू आ जाएगी छे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई छ आ जाएगी तो इसकी वैल्यू तो आ गई भाई छे ठीक अब दूसरे का परिमाप देख लो भाई छोटे वर्ग का जो परिमाप है वो कितना भी है भाई बारह सेंटीमीटर है बारह सेंटीमीटर है और परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है फोर ए होता है जो कि कितना है भाई बारह तो कैंसिल करेंगे कितने पे गया तीन पे गया तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई तीन आ गई यानी छोटे वर्ग की जो वैल्यू आ गई हमारे पास साइड जो आ गई वो कितनी आ गई तीन आ गई सही रहेगा भाई हाँ जी तो अब आपको क्या करना है इस वर्ग का क्षेत्रफल करना है इस वर्ग का क्षेत्रफल सर जी स्क्वायर कर दो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है छत्तीस होता है इस वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे कितना आ जाएगा नो आ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप ही बता दो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है कितना गुना भाई चार गुना है भाई चुका कितना होता है छत्तीस होता है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है सर जी गुना है तो चार गुना हमारा B, हमारा राइट राइट आंसर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा ठीक रहेगा भाई चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने लो जी आज हमने पढ़ा है सुकेर का बेसिक पार्ट समझा है है ना हालांकि हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए नहीं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त है ना अभी हम क्या करेंगे सभी फिगर्स का बेसिक पार्ट समझेंगे अभी हमने वर्ग को पढ़ा बेसिक अब हम आयत को पढ़ेंगे बेसिक फिर रोम्बस को पढ़ेंगे फिर पेरलोग्राम को पढ़ेंगे फिर ट्रेपीजियम को पढ़ेंगे फिर हम क्या करेंगे इन्हीं क्वेश्चन को मिलाकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको करवाएंगे ठीक है कहते हैं कि आसमान को छूना अच्छी बात है पर जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए तो बेसिक यानी आधार को आपको पकड़ के रखना है ठीक है तभी आप सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है ठीक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में आयत क्या होता है आयत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ये भी हमारी क्या है क्वारेटर है चतुर्भुज है इसमें भी हमारी चार भुजाएं होती हैं इसकी खास बात क्या है इसकी खास बात यह है मेरे प्यारे बच्चों आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती हैं और समांतर होती हैं

प्रत्येक कोण मेरे प्यारे बच्चों नब्बे डिग्री का होता है ठीक रहेगा यहां पर हमारे पास ईच एंगल ठीक बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।, बराबर होते हैं मेरे भाई बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि सर वर्ग और आयत में फर्क क्या है एक बेसिक फर्क यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक बेसिक फर्क है जो कि आपको ध्यान में रखना है विकिर्ण को लेकर विकिण बराबर होते हैं आयत में भी बराबर होते हैं वर्ग में भी होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वहां पर भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं पर वर्ग में नब्बे डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं एक चीज ध्यान में रखनी है ठीक है वर्ग में क्या होता है वर्ग में ये समद्विभाजित जो करते हैं वो नब्बे डिग्री पर करते हैं इस चीज का ध्यान रखना है ये बेसिक डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है वर्ग में नब्बे डिग्री पर आयत में क्या होता है बस एक दूसरे को क्या करते हैं यानी वर्ग में जो डायगनल बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं और आयत में बनते हैं कुछ इस तरीके से बनते हैं है ना ये डिफरेंस है ठीक आगे बढ़ते हैं हाँ जी क्वेश्चन नंबर टेंथ आप सभी के सामने अच्छा कुछ फॉर्मुले हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं पेरीमीटर आप सभी जानते हैं क्या होता है परिमाप होता है ये फॉर्मुले आपको ध्यान में रखने हैं बच्चे ठीक है परिमाप एरिया क्या होता है क्षेत्रफल होता है एरिया हमारा क्या होता है क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला क्या है भी? लंबाई गुणा छुड़ाई सभी को पता है है ना और डायगनल यानी विकर्ण निकालने का जो तरीका होता है विकर्ण निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है रूट एल स्क् प्लस बी स्क्र होता है ठीक है

बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट दिया है बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट दिया है यानी बड़े से बड़े क्वेश्चनों को ट्रिकी में सोल्व करता है ठीक है पेपर टू वालों को इस बार ट्रिग्नोमेट्री तो खैर नहीं पढ़ना होता ट्रिग्नोमेट्री में, में इसका इसका बहुत ज्यादा यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम का और इस पूरे के टॉपिक में पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है तो पाइथागोरस थ्योरम को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लो ठीक है पाइथागोरस को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं देखो जी मेरे प्यारे बच्चों ये आपके सामने समकोण त्रिभुज है इसे हम मानते भी आधार मानते हैं ये हमारा क्या है बेस है ये हमारा क्या बेस इसे हम बोलते हैं आधार इसे हम बोलेंगे क्या आधार बोलेंगे बेस आधार बोला जाता है अगर यहां पर हमारा एंगल बन रहा है ठिठा है ये हमारा क्या आधार इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं हिंदी में इसे क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या होता है हाइपड होता है यानी करण होता है ये हमारा क्या होता है हाइपन्यूज यानी करण होता है अब पाइथागोरस ने अपने थ्योरम को ड्राइव करने के बाद जो रिजल्ट दिया था वो रिजल्ट दिया था मेरे प्यारे बच्चों ये पाइथागोरस ने अपनी थ्योरम को ड्राइव करने के बाद जो रिजल्ट दिया था वो ये दिया था यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है ठीक है हां जी बी स्केर प्लस पी स्केयर इज इकल टू एच स्केयर अगर मुझे एच की वैल्यू निकालनी हो अगर मुझे एच की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे है ना अगर मुझे एच की वैल्यू निकालनी हो यह भाई हमारे पास बी स्क्र प्लस पी स्केयर अगर मुझे एच की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे अंडर रूट कर देंगे तो पावर से रूट हो गया कैंसिल तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास एच की वैल्यू आ गई हमारे पास आ गए ठीक रहेगा भाई अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको बताने हूं जो कि आपको ध्यान में रखनी है अगर हमारे पास बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है आधार लंब करण है आधार लंब, करन है। लंब करन। अगर मैं आधार की वैल्यू यहां पर तीन पुट कर दूं और लंब की वैल्यू मैं चार पुट कर दूं तो बताओ अभी करण की वैल्यू क्या होगी जल्दी से आंसर बताना है कमेंट में देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर दे सकते हैं अगर हमारे पास आधार की, की वैल्यू तीन है और परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू चार है तो बताओ एच की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई आप सभी आप सभी देख पा रहे होंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास तीन है तीन का स्केयर करेंगे कितना होगा नो होगा चार का स्केयर करेंगे कितना होगा सोलह होगा है ना तीन का स्केयर करेंगे नो चार का स्केयर करेंगे सोलह तो नो और सोलह कितना होगा पच्चीस और पच्चीस का अंडर रूट करेंगे कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा पच्चीस का अंडर रूट करेंगे कितना हो जाएगा पांच दोबारा से देखेंगे यहां पर हमारे पास b की वैल्यू कितनी है तीन तीन का स्क्केर करेंगे नौ p की वैल्यू हमारे पास चार चार का स्क्र करेंगे सोलह तो नौ और सोलह कितना हो गया पच्चीस और पच्चीस का अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा सही है अगर मैं आपसे पूछूं कि सर हमारे पास बेस की वैल्यू छ है परपेंडिकुलर हमारे पास आठ है आधार हमारे पास छह है लंब हमारे पास आठ है तो बता दो यार करंट की वैल्यू क्या होगी हो जल्दी से बता देंगे फटाफट से जल्दी से बताएंगे अगर हमारे पास आधार छे है लंब हमारे पास आठ है तो बताएंगे करण की वैल्यू क्या होनी चाहिए करण क्या होगा भाई मैंने अभी आपको बताया था भाई छे का स्क्वायर करो छे का स्क्वायर करें कितना होगा छत्तीस आठ का स्क्वायर कितना होगा चौसठ छत्तीस और चौसठ कितना होता है सो होता है छत्तीस और चौसठ कितना हो जाएगा सो और सो का अंडर रूट करें कितना आएगा दस आएगा सो का अंडर रूट करें कितना आएगा दस अरे या ना मेरे भाई मैं आपको यहां पर करके बता देता हूं देखो b की वैल्यू हमारे पास है का स्क्वायर और p की वैल्यू हमारे पास कितना आठ आठ का स्क्वायर और ये किसके बराबर h के बराबर है ठीक तो ये देखो यार छ का स्क्वायर कितना होता है छत्तीस प्लस आठ का स्क्वायर कितना होता है चौसठ और ये हमारे पास h है तो छत्तीस और चौसठ कितना हो गया वन हंड्रेड और वन हंड्रेड का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा दस आ जाएगा यानी एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी कि दस तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है मेरे भाई दस है ठीक है अगर मैं आपसे पूछू सर जी बेस हमारे पास नौ है परपेंडिकुलर है तो बताओ एच की वैल्यू क्या होगी एच की वैल्यू अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है अब आपको निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे भाई ये जो ट्रिपलेट चलते हैं ना सेम रेशो पर आगे बढ़ते हैं सेम रेशो पर आगे बढ़ते हैं जैसे तीन दूरी छे तीन नो। चार दूनी आठ चार तीय बारह पांच दुनी दस पांच तीय पंद्रह तो यहां पर क्या आएगा पंद्रह आएगा यहां पर क्या आएगा पंद्रह होते हैं सेम रेशो पर आगे बढ़ते हैं तीन छो चार आठ बारह पांच दस पंद्रह आगे का भी त्रिपलेट आप निकाल सकते हैं जैसे बारह सोलह और बीस बारह सोलह और बीस तीन छे नौ बारह चार आठ बारह सोलह स पंद्रह बीस है ना इस तरीके से हम ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हैं अब आपकी माइंड में आ रहा होगा सर कुछ ऐसे ट्रिपलेट बता दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते ऐसे ट्रिपलेट बता दो तो ऐसे ट्रिपलेट भी मैं आपको बता देता हूं तो ऐसे ट्रिपलेट देखो यार कौन कौन से ट्रिपलेट होंगे बेस परपेंडिकुलर हाइपर आधार लंब लंबकरण अगर हमारे पास बेस पांच हो लंब हमारे पास बारह हो तो हाइपोड क्या होगा करण क्या होगा तेरह होगा पांच बारह से तेरह बनता है आठ पंद्रह से सत्रह बनता है ठीक है सात चौबीस से पच्चीस बनता है ठीक और बीस इक्कीस से उनतीस बनता है बीस इक्कीस से उनतीस बनता है पेपर वन पेपर टू वाले सॉरी पेपर वन वाले अगर ये भी वैल्यू याद रख लोगे तीन चार पांच छह आठ दस तो बहुत है पांच बारह तेरह अगर आप दो तीन वैल्यू भी याद रख लोगे है पर पेपर टू वालों को आपको ये सारी याद रखनी पड़ेगी मैं आपको बैच के दौरान इसका चार्ट भी दे दूंगा ठीक है जितने भी त्रिप्लेट बनते हैं उसका मैं आपको प्रॉपर तरीके से चार्ट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है उन त्रिप्लेट को आप याद कर लेना और इसकी याद करने की टेक्निक भी होती है तरीके भी होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं ठीक रहेगा भाई हाँ जी तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर दस बताना है एक आयताकार मैदान की एक भुजा आठ मीटर है विकीण हमारे पास सत्रह मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा मैदान का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए देखो भाई <exception> एक आयताकार मैदान की बात चल रही है एक आयताकार मैदान की बात चल रही है दो कुछ यह है आपके सामने एक आयताकार मैदान ठीक रहेगा जिसकी एक भुजा हमारे पास आठ मीटर है जिसकी एक भुजा हमारे पास कितनी आठ मीटर ठीक रहेगा विकीर्ण हमारे पास सत्रह मीटर है विकीर्ण हमारे पास सत्रह मीटर है अरे ना तो मैदान का क्षेत्रफल आपको बताना है आप सभी जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है सभी को पता है बच्चा बच्चा जानता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ठीक रहेगा हाँ जी चौड़ाई हमारे पास आठ है ये हमारे पास सत्रह है अब मेरे प्यारे बच्चों आप एक चीज यहां नोटिस कर रहे होंगे यहां पर एक आपको राइट एंगल ट्रेंगल बनती दिखाई दे रही है समकोण त्रिभुज आपको बनती दिखाई दे रही है समकोण त्रिभुज आपको यहां पर बनती दिखाई दे रही है है ना तो ये हमारा क्या होता है समकोण त्रिभुज में लंब होता है परपेंडिकुलर ये हमारा क्या होता है आधार होता है और आप सभी ये भी जानते हैं आप सभी अच्छे से जानते हैं कि सर जी आठ पंद्रह से सत्रह बनता है अभी आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था आठ पंद्रह से क्या बनता है सत्रह बनता है अगर आठ पंद्रह से सत्रह बनता है ये आठ है ये सत्रह है तो ये क्या होगा पंद्रह होगा सर जी कोई दिक्कत ही नहीं है है ना अभी मैंने आपको बताया कि आठ पंद्रह से सत्रह बनता है अगर आठ पंद्रह से सत्रह बनता है तो ये आठ है ये सत्रह है तो ये क्या होगा पंद्रह होगा अब हमारे पास लंबाई भी आ गई चौड़ाई भी आ गई लंबाई हमारे पास पंद्रह और चौड़ाई हमारे पास आठ और पंद्रह आठ है कितना होता है एक होता है पंद्रह कितना होता है एक सौ बीस एक सौ बीस मीटर स्क्वेयर हमारा क्या होना चाहिए राइट आंसर होना चाहिए ठीक रहेगा भाई अरे हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और करके बताओ क्वेश्चन नंबर इलेवंथ आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर इलेवंथ अब देखो यार 225 मीटर गुणा इक्यासी मीटर आकार के आयताकार क्षेत्र के बदले कोई व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है ठीक है तो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा आपको ज्ञात करनी है क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश करनी है कि क्या बोला गया है मेरे भाई इसमें बोला गया है 225 मीटर गुना इक्यासी मीटर ये एक आयताकार क्षेत्रफल है ये आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि सर जी ये आयत है ना ये आयत है इस आयत के बदले एक व्यक्ति क्या लेना चाहता है इस आयत के बदले एक व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है है ना भाई एक वर्गाकार मैदान लेना चाहता है भाई उसको ये पसंद नहीं आया है ना भाई मान लो ये प्लॉट है उसको ये प्लॉट पसंद नहीं आया वो चाहता है कि इस प्लॉट के बदले है ना अगर मुझे ये वाला प्लॉट मिल जाए इस टाइप का प्लॉट मिल जाए तो मेरा काम बन जाए है ना और इस प्लॉट का जो क्षेत्रफल है इस प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो 225 दो सौ पच्चीस ही, ही का मुझे, वर्ग मिल जाए। मुझे मिल जाए और उस वर्गाकार क्षेत्र की क्या बतानी है भुजा आपको बतानी है ना इस वर्गाकार क्षेत्र की क्या है भुजा आपको बतानी है जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा भाई इसके बदले ये लेना चाहता है जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होना चाहिए ना यानी दो सौ पच्चीस गुणा में इक्यासी इसके बदले में ये लेना चाहता है ठीक रहेगा भाई हाँ भाई जी तो देखो भाई, आप सभी जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है लंबाई गुणा चौड़ाई ठीक रहेगा भाई तो तो लंबाई हमारे पास कितना भी 225 और चौड़ाई हमारे पास कितना भी इक्यासी है ठीक है इसके बदले वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है इसके बदले क्या लेना चाहता है वर्गाकार क्षेत्र और वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल को बोला जाता है भी? A बोला जाता है ठीक तो ए स्कर हमारे पास किसके बराबर है दो सौ पच्चीस गुना इक्यासी के बराबर है तो क्या मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं ये लिख सकता हूं दो सौ पच्चीस को पंद्रह पंद्रह का स्केयर गुणा में इक्यासी को लिख सकता हूं नो का स्केयर ऐसा लिखा जा सकता है ठीक है तो ए स्केयर ये हो जाएगा भाई पंद्रह गुणा में नो का होल स्केयर हो जाएगा

वर्ग को भी लेकर चलेगा साथ में आयत को भी लेकर चलेगा है ना तो इस चीज का ध्यान रखना है ये भी मैंने पेपर टू का बेसिक क्वेश्चन कराया है ठीक रहेगा हाँ जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ आप सभी के सामने बताओ भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है करके बताएंगे जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हां जी बताओ भाई वेरी गुड बहुत अच्छे करो आज की क्लास में हम पंद्रह क्वेश्चन करेंगे है ना क्वेश्चन नंबर बारह करके बताओ एक आयताकार भूमिखंड का क्षेत्रफल 320 वर्ग मीटर है यदि इसकी एक भुजा 16 मीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा है ना इसका परिमाप क्या होना चाहिए मेरे भाई देखो ये एक आयताकार भूमिखंड है ठीक रहेगा जिसकी एक भुजा हमारे पास सोलह मीटर है जिसकी एक भुजा हमारे मान लेते हैं कितनी सोलह मीटर है इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना भी तीन सौ बीस है इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना भी तीन सौ बीस ठीक तो आपको परिमाप बताना है परिमाप क्या होता है सारी भुजाओं का योग क्या होता है? होता है है परिमाप सारी भुजाओं का योग करोगे तो क्या होता है परिमाप होता है तो ये भुजा जब आएगी तभी तो हम परिमाप निकाल सकते हैं तो ये भुजा आपको निकालनी है भाई आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई वैल्यू देखो यार कैंसिल करेंगे कितने पे गया बीस पे गया भाई सोलह दो बत्तीस यानी L की वैल्यू आ गई हमारे पास लंबाई हमारे पास आ गई कितनी बीस आ गई लंबाई हमारे पास कितनी आ गई भाई बीस आ गई सही है और आप सभी जानते हैं कि आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर अगर ये बीस है तो ये भी बीस होगा है ना आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर अगर ये बीस है तो ये भी बीस होगा ये सोलह है तो ये भी सोलह होगा और मेरे प्यारे बच्चों परिमाप क्या होता है परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग सारी भुजाओं का योग कर दो बीस और बीस चालीस सोलह और सोलह बत्तीस चालीस और बत्तीस कितना हो गया बहत्तर तो परिमाप हमारे पास कितना हो गया बहत्तर यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए वेरी गुड बहुत बढ़िया ग्रेट वेरी गुड सर ये सेकेंड पेपर का है बच्चे आज की क्लास में हम कॉमन करने वाले हैं ना पेपर वन पेपर टू दोनों ही के लिए आज की क्लास ठीक है कुछ क्वेश्चन मैंने पेपर टू के भी लिए हैं कुछ क्वेश्चन मैंने पेपर वन के लिए और ये मान के चलो ये बेसिक चल रहा है आधार बन रहा है आपका और धीरे धीरे मैं बेसिक में थोड़े मसालेदार क्वेश्चन भी डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर पड़े ठीक है तो एक से लेकर चालीस तक के जो क्वेश्चन है ना भाई ना वो बेसिक क्वेश्चन है यानी मुझे आपका आधार बनाना होता है मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मैंने आपको सारी बेसिक चीजें बता दी फिर मैं वो क्वेश्चन कराता हूं जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है ठेके? ये भी पूछे जाते हैं ऐसा नहीं यहां से भी पूछे जाते हैं लो जी क्वेश्चन नंबर थर्टीन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो जी क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से दो गुनी है एक आयत का क्षेत्रफल है हमारे पास ये वाला एक आयत है इसने बोला है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से दो गुनी है अगर हम लंबाई लंबाई जो है चौड़ाई से दो गुनी है चौड़ाई को हम मान लेते हैं एक्स तो लंबाई क्या होगी टू एक्स होगी क्योंकि दो गुनी है है ना लंबाई जो है चौड़ाई की दो गुनी है अगर इसका क्षेत्रफल दो वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है आप सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है सभी को पता है क्षेत्रफल की जो वैल्यू दे रखी है वो दो वर्ग मीटर दे रखी है क्षेत्रफल की जो वैल्यू दे रखी है दो है लंबाई और चौड़ाई की जो वैल्यू दे रखी है वो वो है सही रहेगा तो 2X को X से गुणा करेंगे वो 2X होगा क्या होगा भाई टू एक्स स्क् और वो किसके बराबर है दो सौ अट्ठासी के बराबर है सर कैंसिल करेंगे कैंसिल करने पर देखो यार कितने पे जा रहा है दो एक दो दो चौका आठ दो चौका आठ तो एक्स स्क्र हमारे पास कितना हो गया भाई एक सौ चवालीस हो गया तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बताओ अगर एक्स स्क्र एक सौ चवालीस है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी तो यार एक सौ चवालीस को हम लिख सकते हैं भाई बारह का स्क्यर लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना भाई बारह का स्क्र दो से दो कैंसिल तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी बारह आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू अगर बारह है अगर एक्स की वैल्यू बारह है तो बताओ भाई 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी तो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आनी चाहिए चौबीस और बारह आनी चाहिए चौबीस और बारह यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए ठीक रहेगा भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आप सभी के सामने देखो जी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एक आयताकार लोन की भुजाओं का अनुपात एक आयताकार लोन की भुजाओं का जो अनुपात है ये है आपके सामने एक आयताकार लोन है ठीक रहेगा इसकी जो भुजाओं का अनुपात है वो थ्री इश टू फोर है थ्री इश टू फोर थ्री फोर है इसका क्षेत्रफल हमारे पास 1200 मीटर स्क्वेयर है तो इसकी की लंबाई आपको बतानी है विकेंड की लंबाई आपको बतानी है यानी यह वाली लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है ठीक है अच्छा एक चीज आपको बता देता हूं कहीं पर भी आपको के अंदर क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी हो और और वैल्यू आपके पास रेशो के फॉर्म में अनुपात के फॉर्म में हो तो इसके साथ में एक्स लगा दिया करो भाई इसके साथ में एक्स लगा दिया करो है ना ये मैं आपको रेशो एंड प्रपोर्शन के टॉपिक में बताऊं भीगा कि एक्स हम क्यों लगाते हैं यार देखो एक्स हम इसलिए लगाते हैं कोई भी चीज अगर रेशो के फॉर्म में आ जाए ना कोई भी चीज अगर रेशो के फॉर्म में आ जाती है तो वो किसी ना किसी से कट कर आती है है ना रेशो का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वो होता है रेशो का मतलब अगर कोई भी वैल्यू रेशो के फॉर्म में आ रही है तो इसका मतलब वो किसी ना किसी संख्या से कटकर आ रही है अब किस संख्या से कटकर आ रही है ये हमें पता नहीं होता जब हमें पता नहीं होता तो हम इसके साथ में लगा देते एक्स तो यह अपना हो गया थ्री एक्स फोर आपका हो गया थ्री एक्स इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना भी बारह मीटर स्क्वेयर है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है भी लंबाई गुणा चौड़ाई तो ये अपना हो जाएगा भी लंबाई कितना है 4x और चौड़ाई हमारे पास कितना है थ्री 3x और ये किसके बराबर है 1200 के बराबर है तो 4x को 3x से गुणा करें कितना बारह एक्स स्क्र और ये आपका हो जाएगा बारह ठीक है तो जो कटता है काट दो बारह 12 से बारह को काटेंगे बारह कम बारह यानी सो तो एक्स स्क्र हमारे पास कितना गया सो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी को हम लिख सकते हैं दस की पावर दो तो पावर से पावर कट गया तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास दस अगर एक्स कितना चालीस हो जाएगा तो तीस और चालीस हमारा राइट आंसर जाना चाहिए ठीक है अच्छा हमें पूछा गया विकंड की वैल्यू क्या होगी वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ भी अगर तीन चार से पांच बनता है अगर तीन चार से पांच बनता है मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम में है ना? पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको यही बताया था कि अगर तीन चार से पांच बनता है तो यहां पर देखेंगे तो तीस चालीस से क्या बनेगा पचास बनेगा है ना तीस चालीस से क्या बनेगा पचास बनेगा मेरे भाई देखो तीस चालीस और ये पचास ये क्या होते हैं के फॉर्म में होता है जीरो से सारी जीरो कटेंगी तो कितना होगा तीन चार पांच अगर तीन चार से पांच बनता है तो तीस चालीस से क्या बनेगा पचास बनेगा तो हमारा राइट आंसर जाना चाहिए ये नहीं आएगा ना? है ना ध्यान देना ठीक है लो जी आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में है ना इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे मुझे कमेंट्स में तो आई थिंक जितना भी मैंने आपको करवाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ठीक है बाकी की जो सारी कहानी होगी वो हम पढ़ने वाले हैं अपने बैच के अंदर ठीक है तो बैच की जो क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी और आप अच्छे से जानते हैं बैच की जो क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी कब 20 तारीख से स्टार्ट होंगे ठीक है और ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट में बताना है देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका परफेक्ट आंसर दे पाते हैं ठीक तो ये है बच्चे बैच जो हमने स्टार्ट किया है आगाज़ कर दिया है और इस बार का सी आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि कितना इम्पोर्टेंट सी है क्योंकि आप अगला जो सी होगा यानी जनवरी में उसका सिलेबस आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा ऐसा पेपर आपको पहली बार देखने को मिलेगा तो इस बार का जो सी है आप कर दें अच्छे तरीके से क्योंकि अगर ये वाला सी आपने क्लियर कर दिया तो फिर आपको आगे लाइफ टाइम ये सीटैट की वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगी ठीक है फिर आपको सी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है फिर आगे जो जॉब वाला पेपर होगा उसी की आपको तैयारी करनी है ठीक है तो ये बैच है भाई आप देख सकते हैं इस कोर्स की जो वैलिडिटी है एक साल की है है ना बाकी हम जो भी बातें होंगी वो बैच के अंदर ही हम करने वाले हैं सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है सिलेबस जो फर्स्ट टॉपिक से लेकर एंड टॉपिक मैंने सीक्वेंस लगा रखी है उसी सीक्वेंस से हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं आज हमारी डेमो क्लास थी तो पेपर वन पेपर टू का मैंने कॉमन टॉपिक उठा लिया जो दोनों में पूछा जाता है ठीक है तो वो टॉपिक मैंने आज आपके यहाँ डिस्कस किया है उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी ठीक है ओके मिलते हैं आपसे फिर बैच की क्लास में ओके थैंक यू क्लास थैंक यू सो मच थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच